नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सदीकी। यूपी के बरेली जिले के फरीदपुर ब्लॉक में चुनाव हारने के बाद सपा नेता और पूर्व विधायक विजय पाल अपना आपा खो बैठे। सपा नेता ने पुलिस अधिकारियों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार आने पर इनका हिसाब किया जाएगा। सपा नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद ब्लॉक प्रमुख के नतीजों ने भी बीजेपी ने ही बाजी मारी। राजधानी लखनऊ समेत कई जगह समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। ऐसे में यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार को जनादेश और लोकतंत्र में मिले बहुमत की कोई परवाह नहीं है। जानबूझकर और प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उसके परिणाम हमारे सामने हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। चुनाव में अगर कोई पर्चा लेकर गया है तो प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है कि कैसे उसका पर्चा छीना। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये तकरीबन मानकर चल रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनावों में सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी के बीच ही होगा, क्योंकि कभी यूपी को सत्ता पर राज कर चुकी मायावती यूपी की राजनीति से लगभग गायब है। बात कांग्रेस की करें तो यूपी में कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है। ऐसे में बचते हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव, जो बीजेपी से थोड़ी बहुत टक्कर ले सकते हैं। साल 2012 से 2017 तक यूपी के सीएम रहे अखिलेश यादव द्वारा सत्ता में लौटने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के राज में कानून व्यवस्था सबसे बड़ी परेशानी थी और बीजेपी लगातार अखिलेश को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरती थी, लेकिन आज अखिलेश यादव बीजेपी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई नहीं हो सकती। योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। लगा ही नहीं कि यूपी में सरकार है। सरकार ने जनता का साथ नहीं दिया और बीजेपी सरकार की लापरवाही से लोगों की मौत हुई। ताजा हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में बीजेपी ने सपा को पुराने गड्ढों को ढह दिया। एक तरफ तो अखिलेश बीजेपी को हराने का दम भरते हैं, वहीं दूसरी ओर सपा का संगठन देखा जाए तो बेहद कमजोर नजर आता है। पंचायत चुनावों में ये भी देखा गया है कि सपा के कमजोर संगठन का सत्ताधारी बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। उसने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को काफी पीछे छोड़ते हुए 825 ब्लॉकों में 648 पर जीत हासिल की। बाकी दलों को बहुत मामूली कामयाबी ही मिल पाई। बीजेपी ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 825 में से 735 पदों पर उम्मीदवार उतारे थे। 14 सीटों पर सहयोगी दलों का चुनाव लड़ाया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं का इस तरह व्यवहार करने का लंबा इतिहास रहा है। सत्ता से बाहर होने के बावजूद अखिलेश यादव के नेता पुलिस को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश अपने नेता के इस कारनामे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी